तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बारे में, जानेंगे कुछ अनसुने किस्से अमीषा के बारे में और साथ ही नजर डालेंगे उनके अफेयर्स पर। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से और कॉन्ट्रोवर्सीज जिनसे जुड़ा है अमीषा पटेल का नाम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। धोखाधड़ी के मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और जहां अमीषा पटेल अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्माता अजय सिंह ने उनके खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में रांची की एक अदालत ने अमीषा के खिलाफ वारंट जारी किया है। यह मामला साल 2018 का है, जब फिल्म फैमिली ऑफ ठाकुरगंज के निर्माता अजय सिंह ने उन पर म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए पैसे लेने और वापस नहीं करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अजय सिंह का कहना है कि उनका और अमीषा पटेल का एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक एक म्यूजिक वीडियो बनाना था और उसके लिए मैंने उन्हें 2.5 करोड़ रुपए दिए थे। म्यूजिक वीडियो नहीं बनाने पर यह राशि जून 2018 को ब्याज सहित वापस करनी थी। बार बार पैसा मांगने पर अमीषा पटेल द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया, लेकिन वह बाउंस हो गया। इसके अलावा अजय सिंह ने अमीषा पटेल के बिजनेस पार्टनर कुणाल पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। वारंट जारी होने की वजह से अमीषा मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। अपने ही पिता को भेजा था लीगल नोटिस। चलिए जानते हैं आखिर क्या था मामला। उनका कहना था कि उनके पिता ने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए उन्होंने अपने पिता को लीगल नोटिस भी भेजा था। इस मामले के बाद अमीषा पटेल ने मीडिया को बताया कि उनके माता पिता विक्रम भट्ट के साथ उनके रिश्ते को लेकर नाराज हैं और इसी कारण से उनकी मां ने उनकी चप्पलों से पिटाई कर दी थी और उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया गया था। बाद में उनकी मां ने इस बारे में बताया कि अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है, पहले जितने भी विवाद थे वह सब अब खत्म हो गए हैं। धोखाधड़ी के मामले में प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने भेजा समन। अमीषा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है और इसके लिए IMPPA में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल मामला यह है कि प्रोड्यूसर हरेश पटेल ने IMPPA से शिकायत की है कि साल 2017 में उन्होंने अमीषा पटेल के प्रोडक्शन हाउस देसी मैजिक फिल्म को 2.5% की ब्याज दर पर 65 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन्होंने यह कर्ज आज तक नहीं चुकाया। अमीषा पटेल ने पिछले 5 सालों में कई चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इस बारे में IMPPA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक पंडित ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार अमीषा पटेल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर हरेश पटेल ने चेक बाउंस को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। हम अमीषा पटेल को संयुक्त विवाद समिति के सामने पेश होने के लिए पहले ही कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए इस बार उन्हें समन भेजना पड़ा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और जानते हैं कि उन पर अगला आरोप क्या लगा था। 11 लाख लेकर इवेंट में नहीं आने का लगा था आरोप। उन पर यह आरोप है कि साल 2017 में उन्हें एक शादी समारोह में डांस करना था, जिसके लिए उन्होंने 11 लाख रुपए एडवांस भी लिए थे, लेकिन अमीषा इस समारोह में नहीं आई थी। इस मामले को लेकर मुरादाबाद की एक अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इवेंट कंपनी ड्रीम विजन के मालिक पवन वर्मा ने उन पर आरोप लगाया था कि 16 नवंबर 2017 को अमीषा पटेल को एक शादी समारोह में शामिल होना था, इसके लिए उन्होंने अमीषा को 11 लाख रुपए एडवांस दिए थे। अमीषा पटेल दिल्ली तक आ गई थी, लेकिन दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी ज्यादा बताकर 2 लाख रुपए और देने को कहा। 2 लाख और ना देने के कारण वह बिना कुछ बताए वापस चली गई। काफी बुरा अनुभव रहा था बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाने पर। बिहार के औरंगाबाद में चुनाव प्रचार के बाद मुंबई लौटने पर अमीषा पटेल ने कहा कि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाना उनका सबसे बुरा अनुभव रहा। हालांकि LGP प्रत्याशी ने उनके आरोपों को निराधार बताया। अमीषा ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए मजबूर किया। कहा गया था कि चुनाव प्रचार पटना के पास करना है, लेकिन उन्हें पटना से काफी दूर ओबरा में प्रचार करने को कहा गया। जब अमीषा ने प्रचार करने से मना किया तो वह उन्हें गांव में छोड़कर चले जाने की धमकी देने लगे। चुनाव प्रचार के दौरान हजारों लोगों की भीड़ पागलों की तरह मेरी कार पर टूट पड़ी थी और मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। अमीषा ने आगे कहा कि डॉक्टर चंद्रा एक नंबर के झूठे ब्लैकमेलर और गंदे इंसान हैं। जो आदमी चुनाव जीतने से पहले ही महिलाओं से इस तरह का व्यवहार कर सकता है, तो चुनाव जीतने के बाद वह जनता के साथ कैसा बर्ताव करेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमीषा पटेल के कुछ अफेयर्स के बारे में। विक्रम भट्ट। अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट की पहली मुलाकात फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे के सेट पर हुई थी।
फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को विक्रम भट्ट से प्यार हो गया था। हालांकि उस वक्त विक्रम भट्ट शादीशुदा थे, दोनों 5 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अमीषा के माता पिता दोनों के रिश्ते से काफी नाराज थे और उन्होंने अमीषा को घर से निकाल दिया था। इन सब कारण से अमीषा पटेल की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई और उनकी बैक टू बैक 3 फिल्में फ्लॉप हो गई। 5 साल के रिलेशनशिप के बाद आखिरकार दोनों का ब्रेकअप हो गया। जनवरी 2018 में खुद विक्रम भट्ट ने इस खबर की पुष्टि की थी। ब्रेकअप के बाद विक्रम भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम कभी एक दूसरे से प्यार करते थे। अमीषा को अपने परिवार के साथ खुद ही समस्या थी। फैजल पटेल, अमीषा पटेल का फैजल पटेल के साथ अफेयर की खबरें तब सामने आई जब फैजल पटेल ने अमीषा पटेल को सोशल मीडिया पर सरेआम प्रपोज किया था। इससे पहले अमीषा पटेल ने भी फैजल को लव यू डार्लिंग कहकर बर्थडे विश किया था। दरअसल अमीषा पटेल ने हाल ही में फैजल पटेल को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें अमीषा ने लिखा था कि हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग, लव यू, तुम्हारा यह साल शानदार रहे। इसके जवाब में फैजल ने कहा कि मैं तुम्हें पब्लिकली प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पोस्ट से दोनों के बीच अफेयर की खबरें सुर्खियों में आ गई। हालांकि बाद में फैजल ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। फैजल पटेल के साथ अफेयर की खबरों पर अमीषा पटेल ने कहा कि मैं और फैजल पटेल एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और उनके साथ साथ उनकी बहन भी मेरी काफी अच्छी दोस्त है। फैजल का प्रपोजल वाला पोस्ट महज एक मजाक था, इसमें और कुछ नहीं है। मैं अभी सिंगल हूँ और सिंगल ही खुश हूँ, मुझे अब किसी के साथ रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।